नेचुरली नहीं आती है। तो एनीवे, 6 ओवर के बाद अब स्कोर है 28-1। Triple X Energy Drink, CCL, powered by Parle 2020 Quickies. Shantanu, the man who's going to continue the bowling. Dusra over mein, pehla over 9 run diye the. But ab daromadar, the man on the screen, Rajiv Pillai, 11 nabad hain abhi tak, aur jis tarike ki pari khel rahe, lag raha hai ki kam se kam jo instructions hain dressing room se, wo yehi hain ki aap wahan bane rahiye aur ek achhi saajedari gathit karte rahiye. बहुत बढ़िया शॉट राजीव पिल्ले का। राजीव पिल्ले की एक पारी मुझे याद आती है कि कोची में बड़ी ज़बरदस्त एक नॉक खेली थी इन्होंने, मैच विनिंग नॉक। बहुत गर्मी थी उस दिन, मुझे याद है, पहले सीज़न की बात है, ये पहला सीज़न था स्ट्राइकर्स का। और उसके बाद से लगता है धीरे धीरे अपनी जगह पूरी तरह से पक्की कर ली है टीम में और ओपनिंग कर रहे हैं। आज पूरी तरह से फ्लुएंट बैटिंग नहीं हो रही है, पर जमे हुए हैं वहाँ पर और जानते हैं कि अगर खड़े रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब दो चार ओवर में खुल के रन आएंगे, तो वो फेस जो है आता है जो T20 में उसका इंतजार है। और विकेट भी मुझे कई बार लग रही है कि टू पेस विकेट है, कई बार बॉल पिच करके बड़ा अच्छा बाउंस होके आता है, कई बार बिल्कुल नीचे रह जाता है। तो जब भी जब सीम हिट करती है विकेट पे, बॉल अच्छे हाइट से आता है। और बहुत कम ऐसे गेंदबाज हैं जो लगातार कंसिस्टेंटली जो है सीम हिट कर रहे हैं विकेट के ऊपर। मुश्किल है आउटफील्ड में क्योंकि ग्राउंड जो है इतना सपाट नहीं है, इवन ग्रास नहीं है, क्योंकि मल्टी स्पोर्ट्स ग्राउंड है, यहाँ पे हर तरह का स्पोर्ट्स होता है, सिर्फ क्रिकेट नहीं होती यहाँ पे। तो ऐसे मैदानों को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। पैचेस जो आपको नज़र आ रहे हैं आउटफील्ड में, यहाँ पे जब बॉल आती है तो बिल्कुल कवर करके पकड़नी पड़ती है। तो रनिंग बिटवीन द विकेट्स यहाँ पे बहुत शार्प होनी चाहिए, प्रेशर डालें आप आउटफील्डर पर। बहुत बढ़िया शॉट देखे मिस फील्ड, क्योंकि बहुत मुश्किल है सीधा बाउंस को ट्रस्ट करके उठा के फेंक देना एकदम। तो मुझे लगता है फील्डिंग बहुत बड़ा पार्ट आज प्ले करेगी, ऐसी मेरी फीलिंग है। जी हमने देखा नहीं, लेकिन जो बाउंड्री से थ्रो आई थी वो और ओवर थ्रो चाह सकती थी, लेकिन बड़े चौकन्ने थे थर्ड मैन के फील्डर जो बैंक कर रहे थे विकेट कीपर को। जानते हैं हर रन कीमती है यहाँ पर। ये देखिए किस तरह से बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल में कवर किया फील्डर ने, पूरी बॉडी और टांग पीछे रख के आप सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बनाते हैं। बिग ब्रदर फाउंडेशन जिसके बारे में आज हम आपको बता रहे हैं, कल से बता रहे हैं, सचिन जोशी की बिग ब्रदर फाउंडेशन, जिसने ठान लिया है कि 1000 रुपये हर रन पे डोनेट किए जाएंगे 100 हार्ट्स फाउंडेशन को। तो 7 ओवर के बाद अब 31 रन बने और सिर्फ एक विकेट मिली है अब तक चेन्नई रॉयनर्स को। तो 7 ओवर के बाद ये कंपैरिजन देखिए, 51 रन थे और केरला स्ट्राइकर्स 31 रन बनाए हैं, तो धीमे पड़ते चले जा रहे हैं हम। डायरेक्ट कंपैरिजन में सिर्फ 20 रन का अंतर 7 ओवर के बाद हो गया है, इस अंतर को कम करना होगा। और जैसा हमने मिड शो में बात की थी अंजुम, जैसी आशा थी उसी के बिल्कुल वैसा ही काम चेन्नई के गेंदबाजों ने किया अब तक। जी हाँ, बहुत बढ़िया कार्य करते हुए यहाँ पर
सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये रन रोकने में कामयाब हुए हैं, पर इसके लिए भी क्योंकि जिस तरीके से अटैक कर रहे हैं, जिस तरीके से अपनी फील्ड सेटिंग कर रहे हैं और एक सोची समझी रणनीति के अनुकूल प्रदर्शन कर रही है यहाँ चेन्नई। राजीव पिल्ले 13 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और नंदक एक पर है, विट थी यहाँ पर, मौका था पर नाखुश होंगे। ये ऐसी डिलीवरीज हैं जो केरला स्ट्राइकर्स कैन नॉट अफोर्ड टू मिस। बिल्कुल सही कह रही है अंजुम, मुझे लगता है गेट आउट ऑफ जेल दो तीन खिलाड़ी होने चाहिए पिंच हिटर टाइप, जो आते ही बड़े शॉट्स लगा सकें, जिनको वक्त नहीं चाहिए। अब ये बॉल बिल्कुल था बाहर मारने वाला, ये देखिए। अब जब तक आपको नीचे आके लेवरेज नहीं मिलेगी, आपको हाइट नहीं मिलेगी शॉट में, और अगर आप का टाइम हो गया तो ये मैदान इतना बड़ा नहीं है, आपको 6 रन आराम से मिल सकते हैं, पर आपको जोर लगाना पड़ेगा। पद्मश्री लेफ्टिनेंट कर्नल मोहनलाल खुश हैं अब तक अपनी टीम के परफॉर्मेंस से, ऐसा लगता है कि बड़े सेटिस्फाइड हैं, उनको पता है कि उनकी टीम जो एक स्ट्रेटजी के तहत खेल रही है और ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, धीमा खेल रहे हैं, बाद में बराबर कर लेंगे। पर ये खेल ऐसा है तो कि हाथ से जब निकलता है तो निकल ही जाता है, पकड़ा नहीं जाता। सो ये जरूर होगा कि इन्होंने अभी तक ठीक ठाक शुरुआत करी है, लेकिन कब हाथ से निकल जाए। T20 का खेल खैर इन एनी केस 120 गेंदें होती हैं और कितनी भी चर्चा कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मैच से इनकी आंखें एक मिनट के लिए भी हट रही होंगी। पद्मश्री लेफ्टिनेंट कर्नल मोहनलाल seems involved in a very intriguing and interesting discussion, but having said that, I think बहुत समझदार गेंदबाजी यहाँ पर, बिल्कुल विड्थ नहीं दे रहे। तीन जो सिंगल सेविंग फील्डर्स हैं वो दायरे के अंदर हैं, बैकवर्ड पॉइंट, कवर पॉइंट और एक एक्स्ट्रा कवर, जानते हैं कि अगर विड्थ देंगे तो गैप ले सकते हैं और चौका भी जा सकता है। पर किसी मिसफील्डिंग यहाँ पर एक रन लेने में कामयाब और इसी के साथ 8वें ओवर की समाप्ति 36-1 विकेट के नुकसान पर। यह मैच समरी, अब तक चेन्नई राइनोज स्कोर्ड 148 आफ्टर 20 ओवर्स, सिर्फ 2 विकेट्स के नुकसान पे। शांत उन्होंने 52 रन बनाए, विष्णु ने 41, विक्रांत ने अच्छी पारी खेली, अंत में आके 35 रन बनाए और इस समय उस ये स्कोर का पीछा करते हुए 36-1 113 रन अभी भी चाहिए 72 गेंदों में। रिक्वायर्ड रन रेट अब 9.5 के आसपास पहुंच चुका है, तो ये वक्त ऐसा है कि यहाँ पे गियर बदलना पड़ेगा अंजुम। दे कैन नॉट बी बैटिंग लाइक दिस एंड होपिंग टू विन द गेम। जी नहीं, ये तो चिंता की निशानी है और ये जो संकट के बादल हैं, ये पता नहीं चलता है कब हल्के से शुरू होते हैं और फिर बहुत लंबी बरसात लेकर आते हैं। केरला अगर इस तरीके से चलती रहेगी तो मुश्किल है। थोड़ी देर पहले आप अटैकिंग स्ट्रोक्स की बात कर रहे थे अतुल, मुझे लगता है बेल आउट शॉट्स हर बल्लेबाज को अपने आमरी में रखने चाहिए। ये देखिए, छोटी सी विट थी बट सीधा फील्डर के हाथ में और कोई गलती नहीं करी, शांतनु खुश। विकेट लेकिन विकेट टेकिंग डिलीवरी नहीं थी, लेकिन लेने में कामयाब रहे, दूसरी सफलता चेन्नई के लिए। क्या बात है, व्हाट अ कैच, ऐसा लगा नहीं था कि बॉल कैरी कर जाएगा और बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक था, इतनी पावर जनरेट की थी, बैट स्पीड बहुत तेज। ये देखिए किस तरह से पूरी तरह से रिस्ट और फोर आर्म्स की ताकत, और क्या कैच, अगर वो ना पकड़ते तो सीधा 6 रन हो जाते, फ्लायर इसे जैसे कहते हैं, और बोनस विकेट। अब प्रेशर आ चुका है स्ट्राइकर्स पे, फैंटास्टिक कैच, टॉप क्लास। निराश हो गए राजीव पिल्ले, काफी मेहनत करके सेट हुए थे और एक ऐसे जबरदस्त कैच से आउट हुए, 16 रन बनाए और 36-2।
Kerala Strikers. विकेट लेने के बाद ऐसी गेंदबाजी शांतनु बिल्कुल ठीक नहीं, ना आपके लिए ना आपकी टीम के लिए। एक अच्छी विकेट लेने के बाद अब नए बल्लेबाज आए हैं अरुण बेनी केरला स्ट्राइकर्स के लिए। अटैकिंग शॉट लगाते ही कोशिश जरूर है दूसरे रन के लिए वापस आने की, बट ना बोला अरुण ने, और अच्छी बात है क्योंकि बैक टू बैक आप दूसरी विकेट नहीं खोना चाहेंगे। सूझबूझ की बल्लेबाजी की जरूरत है यहाँ पर। अर्जुन नंदक को अब मुझे लगता है कि रोल लेना पड़ेगा यहाँ पे एग्रेसर का। बेनी आए हैं, हाफ में मार्क के करीब हम पहुंचते चले जा रहे हैं। फुल टॉसेस के ऊपर भी अगर आप ऐसे एक एक रन बनाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको तैयार रहना पड़ेगा अपॉर्चुनिटीज के लिए। अगर आप सोचें कि मैं पहले पहले आया हूं अभी और मैं पहले सेट होऊंगा, सेट होने का तो वक्त मिलता नहीं है T20 में। राजीव पिल्ले किस तरीके से आउट हुए थे, एक हाफ ट्रैकर थी, रैंक हाफ बॉल थी जो शॉर्ट शॉट चौका या छक्का डिजर्व करती थी, पर विकेट लेके गई। और उसी के बाद एक और कोशिश थी आउट करने की, रन आउट करने की कोशिश, बट सिंगल, लिटिल कॉमेडी ऑफ एरर्स आउट देयर इन द सेंटर। अटैकिंग प्ले देयर बाय द चेन्नई टीम, श्योरली दे हैव गॉट अ विकेट एंड दे वांट अनदर वन, दे सेंसिंग अ अपॉर्चुनिटी हियर। क्विक सिंगल लेना चाहते थे बट नियंत्रण नहीं रख पाए अपनी थ्रो पर और हल्का सा ऊपर गया कीपर के ऊपर से, सो जो सिंगल नहीं होना चाहिए था वो हो गया। सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रीपिंग इन। मुझे लगता है यहाँ केरला को खुल के खेलनी चाहिए बल्लेबाजी, अगर दो तीन ओवर कड़े शॉट्स लगाने में कामयाब रहेगी सो जो मैच का रोमांच है वो भी बढ़ेगा और ज्यादा कॉन्फिडेंट भी होंगे ये रीजनेबली गुड टोटल चेस करने में। 9 ओवर की समाप्ति, 41 2 विकेट के नुकसान पे।